बच्चों कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस वीडियो के अंदर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, जो सॉल्युबिलिटी टर्म है वो देखेंगे एंड हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे सॉलिड्स की लिक्विड के अंदर एंड हम सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं गैसेस की लिक्विड के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो सॉलिड्स पार्टिकल है वो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होंगे, तो वो सॉल्युबिलिटी होती क्या एक्चुअल में, उसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। तो देखो आपके पास सॉल्यूट होगा, दैट मीन्स कोई भी सब्सटेंस है सॉल्यूट फॉर्म के अंदर है और उसको आप डिसॉल्व करोगे, एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलेगी। सपोज किया हमने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, या फिर 100 लीटर ऑफ मिलीलीटर ऑफ आप ये भी कह सकते हो। तो आपको स्पेसिफिक अमाउंट मिलेगी सॉल्वेंट की, उसमें आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, ठीक है, और उस टेम्परेचर पर जब सॉल्यूट कंप्लीटली मिक्स हो जाता है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो एक सॉल्यूशन बनता है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, मैंने सिंपल वे में लिख दिया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्लियर, आप देखो बच्चों जब आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल रहे हो तो हमारे पास दो टाइप की प्रोसेस आती है। ठीक है, वो क्या होती है, हमने क्या किया कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया या फिर हमने कहा कि डाला, मिक्स किया। अगर वो सॉल्यूट कंप्लीटली सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाता है, उसका कोई भी पार्ट लेफ्ट नहीं रहता है, दैट मींस वो प्रोसेस क्या होगी, डिसोल्यूशन। ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। एक आती है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कब आती है, आपके पास जो सॉल्यूशन बना जिसमें आपने सॉल्यूट को जब डाला सॉल्वेंट में तो वो मिक्स हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, हम डालते जा रहे हैं सॉल्यूट, फिर क्या होगा, सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, दैट मींस वो बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं, नीचे की साइड, कोई भी बीकर है तो उसमें नीचे की साइड कलेक्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो डिसोल्यूशन क्या होता है, व्हेन सॉल्यूट कंप्लीट मिक्स इन अ सॉल्वेंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज। ऑफकोर्स इंक्रीज तो होनी है कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। क्लियर, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें सम सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो आपस में ही सॉल्वेंट के साथ नहीं कोलाइड करेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल आपस में ही कोलाइड्स कर रहे हैं और कोलिजन होने की वजह से वो बिगेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे और बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने लिखा हुआ है कोलाइड विद ईच अदर इन अ सॉल्यूशन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड आउट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब आपको वहां पर सॉल्यूट पार्टिकल अलग से दिखेगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बन चुका है, ये नहीं कह सकते आप सॉल्यूट अलग हो गया सॉल्वेंट अलग हो गया, नहीं, सॉल्यूशन बन चुका है, उसमें हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालते जा रहे हैं तो वो बॉटम में कलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब अब उस सॉल्यूशन में सैचुरेशन आ गई है, उस सॉल्यूशन को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उससे ज्यादा अगर आप ऐड करते हो वो डिसॉल्व नहीं होते, वहां पर क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो हमें एक चीज पता चली कि जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो दो प्रोसेस तो हमारे सामने आती आती है। ठीक है, अब इन दोनों प्रोसेस से भी क्या निकल कर आएगा वो देखना है। देखो बच्चों जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला तो सॉल्यूशन बना, अब ये इसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो गया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, डिसोल्यूशन। बट जब आप सॉल्यूट डालते जा रहे हो तो सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट पार्टिकल अलग हमें दिखेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ये मैंने इसीलिए नीचे लिखा। ठीक है, तो ये आपको साइन दिख रहा होगा, ये किसका है, इक्विलिब्रियम का, डबल एरो है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी, जब बच्चों रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ
रिलेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इस केस के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। या हम ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, ठीक है। और यहां से और टर्म निकल के आए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होंगे, जिसमें नो मोर सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ठीक है। इसमें मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है और इसमें हम सॉल्वेंट के अंदर और भी ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे या सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया तो सॉल्यूशन बन गया, तो दैट मीन सॉल्यूशन के अंदर ही हम क्या डाल रहे हैं, सॉल्यूट डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब सॉल्यूट डालेंगे तो और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व तो वो होगा सैचुरेटेड, एंड मोर सॉल्यूट डिसॉल्व तो वो होगा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, आप सॉल्यूट डालते जा रहे हो, वो मिक्स होते जा रहा है, होते जा रहा है, मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कितनी अमाउंट सॉल्यूट की हमने डाल दी है मैक्सिमम, बट वो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही रहेगा। ये नहीं है कि डालते जा रहे हो मिक्स होते जा रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। हम शुगर लेते हैं वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो होता क्या है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, दैट मीन्स सैचुरेशन आ चुकी है। बट अगर आप उसी पानी को थोड़ा सा हीट करोगे, जो शुगर सॉल्यूशन है ना, थोड़ा सा हीट करोगे तो जो पार्टिकल शुगर के नीचे रह गए, क्रिस्टल्स रह गए हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, बट वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही डिसॉल्व रहेंगे, उसके बाद आप डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डालते जा रहे हो, क्या हो रही है, डिसॉल्व होती जा रही है। लेकिन ये कंडीशन बच्चों हो ही नहीं पाती है, तो ये ध्यान रखना है सॉल्यूशन जो होते हैं वो सैचुरेटेड और कैसे रहेंगे, अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड तो हमें मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो ये थी सॉल्युबिलिटी, किसकी, सॉल्यूट की, लिक्विड के अंदर। अब बच्चों ये टर्म्स तो आपको इसमें लिखनी है, इसके साथ साथ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस भी इसके नीचे मेंशन करना, और इक्विलिब्रियम कब आएगा वो मैंने आपको बता दिया, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी को सॉलिड की लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी आपको क्या करना है, जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उनमें कुछ ना कुछ फैक्टर तो ऐसे आते हैं जो अफेक्ट करते ही करते हैं, तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है क्योंकि इनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनकर आता है, ठीक है। और 1-1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जल्दी से देख लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे जो अफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो मेनली जो फैक्टर होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ भी है। एंड नेक्स्ट जो आता है बच्चों वो आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और ये वाला भी पढ़ा हुआ है, आई स्वेल, यकीन करो आपको आता है ये, ठीक है, जब मैं कराऊंगी ना तब आप कहोगे हाँ मैम आपने पढ़ाया था हमें। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, और ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है, तो ज्यादा टफ नहीं है, हम करने वाले हैं 1-1। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों जब भी नेचर की बात आती है ना, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, तो वहां पर एक ही कॉन्सेप्ट आता है, और वो क्या आता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, शायद याद आ गया होगा सभी को, पढ़ाया हुआ है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है पॉलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पॉलर सॉल्वेंट, ठीक है, लाइक इज वॉटर जो कि सबसे ज्यादा पॉलर होता है, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बेंजीन है वो क्या है, नॉन पोलर ही है,
ईथर है वो भी क्या है, नॉन पोलर है। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करूं तो वो भी क्या है, नॉन पोलर है। तो मेनली हम यही देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट मीन्स लाइक डिजोल्व लाइक। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। तो अगर हम बात करें पोलर सॉल्यूट की, तो देखो जैसे मैंने लिया NaCl सॉल्ट, घर में आप खाते ही हो ना नमक। NaCl जो होता है पोलर होता है, हमें पता है क्यों, क्योंकि Na पर होता है पॉजिटिव और Cl पर क्या होता है, नेगेटिव, यही होता है ना। हमने इसको डाला पानी के अंदर और वो हो गया डिजोल्व, हमें नमक वाला पानी मिल गया। तो ये डिजोल्व होता कैसे है, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझे हम पोलर वाला, कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व क्यों होता है। तो एक्चुअल में बच्चों यहाँ पर जो आपके पास पोलर सॉल्यूट है उसमें टू आयंस होते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, बट ये फ्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग है जो हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। आपको भी पता है कौन सी बॉन्डिंग है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और इलेक्ट्रॉनिक क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉटर जो है H2O, इसमें H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, आयंस में डिसोसिएशन करने के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस रिक्वायर्ड एनर्जी को ही आप क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी। अच्छे से समझना, रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस में डिसोसिएट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको आप क्या बोलते हो, लैटिस एंथैल्पी या एनर्जी। ये मैंने आपको बताया हुआ है 11th में, ठीक है। अब एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी, अब वो क्या होती है, तो जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डालोगे तो ये जो वाटर है वो क्या करेगा, इसमें एच पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन है, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी है लैटिस एनर्जी आ चुकी है। अब ये आयंस इन आयंस को क्या करेंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से एक एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो जो रिलीज जो होगी एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी व्हेन होल्ड द आयंस थ्रू वाटर मॉलिक्यूल या फिर एच पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, उस रिलीज्ड एनर्जी को आप क्या बोलोगे, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो बच्चों यहां पर अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तभी क्या करेगा, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और OH नेगेटिव आयन Na पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों आयन सेपरेट आउट हुए और ये NaCl डिसॉल्व हो गया। तो किस केस में होगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। तो ये ध्यान रख लेना, जब आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द लैटिस एनर्जी, आप ये बोल सकते हो, ठीक है, तभी क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, अदरवाइज डिसोल्यूशन नहीं होता। तो ये ध्यान रख लेना फॉर डिसोल्यूशन, ठीक है। तो जब यहां पर NaCl डालोगे तो होता क्या है, बहुत ही सिंपल है, Na पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट हो जाएंगे OH नेगेटिव आयन के साथ में, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। आप ये जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, जैसे मैं लिखती जा रही हूँ वैसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर डायग्राम हम देखते हैं कि हमने पानी के अंदर जैसे ही NaCl डाला तो होता क्या है, सबसे पहले Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन सेपरेट आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, उसको हमने बता दिया लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं। तो ये Na पॉजिटिव आयन किससे अट्रैक्ट होंगे, OH नेगेटिव आयन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं OH नेगेटिव आयन, या फिर हम इनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो H2O है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ऐसे ऑक्सीजन के पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये अट्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम बना सकते हैं, क्लियर। और जो Cl नेगेटिव आयंस होंगे वो किससे अट्रैक्टेड हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन से। अब यहाँ पर H है ना, इस पर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं एच एच ऑक्सीजन के साथ में जुड़े हुए पार्शियली पॉजिटिव। तो इस टाइप से क्या होता है, ये अट्रैक्ट हो जाता है सीएल नेगेटिव आयन किससे, हाइड्रोजन से, और ये दोनों सेपरेट आउट हो गए। अगर ये सेपरेट नहीं हुए, सपोज करो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है हाइड्रेशन से, तो लैटिस में तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इन अपोजिट चार्ज आयंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। और अगर ये होल्ड नहीं कर पाए तो ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, मतलब NaCl ही रहेगा, नमक एज इट इज रहेगा पानी के अंदर। इसीलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एंथैल्पी से, तभी डिसॉल्व होता है। अगर किसी वाटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसकी लैटिस एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर है? तो ये हो गया है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। क्लियर है आप सभी के? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों जो सेकंड आता है वो क्या आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, एग्जांपल्स पे आपको याद रखना है, इजी वे में करा रही हूं मैं, ठीक है। देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको तीन चीजें देखने को मिली। वो क्या, हमने सॉल्यूट मतलब सॉलिड लिया और उसको हमने लिक्विड में डाला, दैट मीन सॉल्वेंट हमारा है लिक्विड और सॉल्यूट हमारा है सॉलिड। तो जब हम डालेंगे और फिर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिनकी क्या होती है, डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। और कुछ ऐसे भी सॉल्यूट्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इररेगुलर होती है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो कभी तो इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, मतलब इररेगुलर है, ठीक है। तो आपको ये तीन कंडीशन स्टडी करनी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर। तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। सबसे फर्स्ट कंडीशन हम ये देखने वाले हैं इसके अंदर। आप देखो बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल्स कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखो नाइट्रेट्स याद रखना किसके, सोडियम और पोटेशियम के, और आपको क्लोराइड्स भी याद रखने हैं सोडियम और पोटेशियम के, बस इतना याद रख लो, ज्यादा नहीं। दैट मीन्स मैंने बोला नाइट्रेट्स यानी कि NaNO3 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, हो गया इतना यार। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला क्लोराइड्स पोटेशियम के भी और सोडियम के भी, आई थिंक सबको याद हो गए होंगे एग्जांपल। तो सिर्फ नाइट्रेट्स ध्यान रखने, इसमें सिल्वर नाइट्रेट भी होता है, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप सिर्फ इतना याद रखो सोडियम पोटेशियम लेना है हमें, यहाँ भी सोडियम पोटेशियम है, यहाँ नाइट्रेट्स है, यहाँ क्लोराइड्स है, क्लियर। आप देखो बच्चों, ये जो सॉल्यूट होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये होता है जब हम इनको वाटर के अंदर डालते हैं तो इनको डिसॉल्व होने के लिए एनर्जी जो है वो चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसका मतलब जब आप इनको सॉल्यूबल करोगे तो वो जो प्रोसेस होगी यहां पर, वो प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जो डेल्टा एच है वो क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा इसमें, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है यहाँ पर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब हमें तो समझ ही नहीं आया एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी क्या इंक्रीज हो जाएगी, तो वो समझने के लिए आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था ना। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, वेरी सिंपल, ये प्रिंसिपल बहुत कुछ कहता है, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को, कंसंट्रेशन को, प्रेशर को बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया था। तो देखो बच्चों, यहां पर इसके अकॉर्डिंग जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है। देखो मैंने अभी कहा
फेवरेबल कंडीशन है इसकी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, इसका मतलब इसको एनर्जी चाहिए। और देखो हम टेम्परेचर यहाँ दे रहे हैं तो एनर्जी दे ही तो रहे हैं और इसको एनर्जी चाहिए भी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबल होने के लिए। तो एनर्जी आप इसको और ज्यादा दे रहे हो और इसको रिक्वायर्ड भी है, तो इसका मतलब ये जल्दी से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलिया प्रिंसिपल, व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवरेबल टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी होगी। क्योंकि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डाल रहे हो, सॉल्यूट हमारे पास ये वाले हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है, जब आप डाल रहे हो और ये वाली कंडीशन भी है हमारे पास, इक्विलिब्रियम आ चुका है, बट इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक में फेवरेबल कंडीशन यही होती है, इंक्रीज द टेम्परेचर, और इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड में, दैट मीन सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन कब बना, जब सॉल्यूट कंप्लीटली सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हुआ, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। बहुत सिंपल था ना, बहुत इजी भी था। तो बच्चों इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ आपको ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पर लिया है टेम्परेचर और यहाँ हमने क्या ली है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ की बात करें तो देखो बच्चों यहाँ आता है NaCl का ग्राफ, ठीक है, फिर आता है KCl का ग्राफ, उसके बाद अगर हम बात करें तो NaNO3 का आता है, और फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर KNO3 का आता है। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड जो है बच्चों वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जब हम इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, क्लियर। देखो मैंने सिर्फ यहाँ पर इंक्रीज का साइन हटा के डिक्रीज किया, टाइम वेस्ट नहीं करना ना, सेकंड पॉइंट है हमारा। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो एग्जांपल है वो आपको याद रखनी, सल्फेट्स, किसके सल्फेट है, एक तो लिथियम के सल्फेट्स होते हैं Li2SO4, ठीक है, एंड एक होता है सीरियम सल्फेट, सीरियम Se होता है, एंड इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो 3 होती है, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 2, क्योंकि SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर्मूला आपको बनाना ही आता है क्योंकि आप 12th में हो चुके हो, तो आप यहाँ पर सल्फेट्स याद रखो बस, ठीक है। अब ये जो होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब आप सॉल्युबल करते हो किसी भी लिक्विड के अंदर, कब, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो होने वाली प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब इनको एनर्जी चाहिए ही नहीं, ये एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वहां से रिमूव कर रहे हैं अपने आप से, तभी ये सॉल्युबल हो पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा एच किस में आता है, नेगेटिव के अंदर आता है, क्लियर। अब इनको तो एनर्जी चाहिए ही नहीं और हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी दे रहे हैं, और इनको चाहिए ही नहीं, ये तो खुद में से ही एनर्जी निकाल रहे हैं, इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं हुई। तो ली चैटेलिया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो वो कहाँ होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन या इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाता है। तो बैकवर्ड में क्यों करा, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है इसकी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, एनर्जी इसको चाहिए ही नहीं और हम देते जा रहे हैं, इसीलिए जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्यूशन बनाएंगे तो सही, डिजोल्व तो होंगे, बट उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो रेट जो है सॉल्युबिलिटी की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्लियर है। आई होप सभी को समझ में आया होगा क्योंकि इसी पॉइंट से सबको समझाना है, ली चैटेलिया प्रिंसिपल लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें भी देखें टेम्परेचर यहाँ पर है और सॉल्युबिलिटी यहाँ पर है, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर आपके पास, इस टाइप से डिक्रीज हो रही है। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करें सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये लिथियम सल्फेट के लिए होता है एंड आपके पास जो सीरियम वाला है वो ये आता है, ठीक है, अलग अलग ड्रॉ कर दिया मैंने, ये सीरियम सल्फेट है, ये लिथियम सल्फेट है। तो इस टाइप से इसका भी ग्राफ आता है, वो भी बहुत ही सिंपल है। अब जो बच्चे थर्ड आता है नेक्स्ट, उसमें क्या होती है, सॉल्युबिलिटी जो है वो इरेगुलर चेंज होता है, ठीक है, और वो इरेगुलर चेंजमेंट का मतलब क्या है, और उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अच्छे से समझना है आपको, जल्दी से देख लेते हैं उसको भी।
बच्चों जो थर्ड आता है सॉलिडिटी और सॉल्यूट इरेगुलर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब इरेगुलर चेंजमेंट होता है, इरेगुलर चेंजेस लिख लेना ठीक है। तो आपके पास ये जो इसमें एग्जांपल है वो क्या आते हैं, वो आते हैं बच्चों हाइड्रेटेड सॉल्ट ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं हाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है कि सॉल्ट के साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर है ठीक है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके पास है सोडियम सल्फेट ठीक है .10H2O, ये क्या है हाइड्रस फॉर्म के अंदर है। और मैंने एग्जांपल लिया जैसे कि कैल्सियम क्लोराइड है, उसके साथ है 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ठीक है। तो इसमें इरेगुलर क्यों होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, और जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते चले जाते हैं, लूज होते चले जाते हैं। मतलब आपके पास अभी ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है ठीक है, और जब आप टेम्परेचर देते रहोगे तो यही सॉलिड फॉर्म दूसरे सॉलिड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। तो जब वन सॉलिड फॉर्म अनदर सॉलिड फॉर्म के अंदर चेंज होती है तब वहां पर इरेगुलर फॉर्म आती है या इरेगुलर चेंजमेंट आता है सॉल्युबिलिटी के अंदर ठीक है। तो जैसे आपने ये किया, इसको क्या किया है हीट किया है ठीक है, जैसे आपने हीट किया या टेम्परेचर दिया तो इसके जो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल वो क्या हो चुके हैं रिलीज, और ये किसमें चेंज हो चुका है एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर ठीक है। अभी हाइड्रस फॉर्म में था वाटर मॉलिक्यूल था, अब एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर हो चुके और 10 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं यहाँ से रिलीज हो चुके हैं ठीक है। ऐसे ही जब आप इसको हीट करोगे तो इसमें एकदम से सारे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होते, सबसे पहले कैल्सियम क्लोराइड के अंदर से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं ठीक है, और फिर दोबारा से जब आप इसको हीट करते हो तो अगेन क्या होगा कैल्सियम क्लोराइड और 2H2O, मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लीटली रिलीज नहीं होते हैं। तो इनका इरेगुलर आना क्यों है, क्यों शो कर रहे हैं, तो इसका रीजन याद रखना ड्यू टू चेंजेस ऑफ वन फॉर्म ऑफ सॉलिड, या हम ये कह सकते हैं वन सॉलिड फॉर्म सीधा है ना, वन सॉलिड फॉर्म इनटू अनदर, मैंने यहां चेंजेस पहले लिख दिया ठीक है, चेंजेस ऑफ वन सॉलिड फॉर्म इनटू अनदर सॉलिड फॉर्म, रहेगा सॉलिड फॉर्म के अंदर, ये थोड़ी ना लिक्विड में चेंज हो जाएगा ठीक है। तो यहां पर जब सॉलिड को जब हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या देखा कि जो चेंजेस है वन सॉलिड फॉर्म की अनदर फॉर्म के अंदर उसकी वजह से क्या आती है इरेगुलर फॉर्म आती है ठीक है। तो उसकी वजह से आपके पास एक ग्राफ आता है और वो ग्राफ क्या कहता है, देखो यहां पर टेम्परेचर है और यहां क्या है सॉल्युबिलिटी है ठीक है। तो जब हम ग्राफ देखते हैं तो पहले क्या आता है इस टाइप से, पहले सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, फिर एक ऐसा टेम्परेचर का ये वाला पॉइंट ऐसा आता है कि वहां उसके बाद फिर डिक्रीज होती है और फिर से क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम यहां से लेके यहां तक की बात करें तो ये था Na2SO4.10H2O ठीक है, और जब हम यहां पर बात करें तो ओनली क्या बचा Na2SO4, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसने रिलीज कर दिया है। तो टेम्परेचर का एक पॉइंट ऐसा आया या टेम्परेचर पॉइंट ऐसा आया जहां पर हमें एक जो ग्राफ है वो क्या हुआ कट होता हुआ दिखा, कटिंग ही हो रही है यहाँ पर ठीक है। इस कट ग्राफ को क्या या कट जो पॉइंट है उसको ही आप क्या बोलोगे टेम्परेचर रहेगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर ठीक है, इसका नाम याद रखना। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, जो आपके पास कट आया वही ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसकी मैं डेफिनेशन आपको मेंशन करा दूंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड का आपको यहाँ पर मेंशन करना है तो वो भी देख लेते हैं अभी। तो वो ऐसे आता है बच्चों, देखो आपके पास एक पहले ये कट आएगा क्योंकि देखो CaCl2.6H2 है, यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल है कैल्शियम क्लोराइड के साथ में ठीक है। उसके बाद फिर से अगर हमने ग्राफ देखा तो क्या आया यहाँ पर, अब कितने वाटर मॉलिक्यूल बचे 4 वाटर मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड रहेगा, फिर से देखेंगे तो ये आ जाएगा फिर 2 मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है। ऐसे ही जैसे कि फेरस सल्फेट है FeSO4.7H2O, वो भी आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हो FeSO4.7H2O, तो उसका भी ग्राफ ऐसा ही आएगा सबसे ऊपर यहाँ पर ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि यहाँ पर इरेगुलर फॉर्म आ रही है, पहले देखो
बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है फिर डिक्रीज होता है फिर से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हमें उस टेम्परेचर पर एक कटिंग पॉइंट मिला, तो उसी टेम्परेचर को आप बोलोगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो जल्दी से उसकी डेफिनेशन देखो अभी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो आप लिखोगे द टेम्परेचर एट विच ब्रेक द सॉल्युबिलिटी कर्व, ठीक है, सिंपल फॉर्म लिख लो, द टेम्परेचर एट विच ब्रेक द सॉल्युबिलिटी कर्व, ठीक है, उसी टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये जो पार्ट है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो बच्चों अगर हम प्रेशर की बात करें तो इफेक्ट जो है प्रेशर का वो बहुत ही कम होता है, 1 से लेके 2% तक ही हो पाता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं। सॉलिड को ही तो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, और जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस तो होते ही नहीं, प्रेशर आप डाल दोगे तो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम होता है सॉल्युबिलिटी पर, ठीक है। चाहे आप कितना भी प्रेशर कम करो ज्यादा करो, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, बहुत ही कम, मिनिमम टू मिनिमम करेगा। 1 से 2% कितना होता है, बहुत ही कम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये वाला टॉपिक हो गया बच्चों कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टेक केयर।